हम बात करेंगे आपके के बारे में इंटरेस्टिंग सी इजी सी रिटोरिकल डिवाइस है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो एपिजोक्सिस इज अ रिटोरिकल डिवाइस प्रैक्टाइज बाय द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज इन इमीडिएट सक्सेशन फॉर एम्फसाइज और इंटेंसिटी इट मीन्स आर्ट कि समटाइम हम कुछ वर्ड्स जो हैं वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स और द ऑडियंस और हम वो वर्ड्स क्यों बार बार रिपीट कर रहे होते हैं ताकि हम ऑडियंस का अटेंशन गेन कर सकें और सेकेंडली हम उस वर्ड पे एम्फोसाइज़ कर सकें यानी हमने उस वर्ड पे इतना स्ट्रेस आउट किया है कि इट मीन्स आर्ट जो है वो मेमोरेबल बन गया और ऑडियंस जो है उसको वो याद रह जाएगा यानी उसका एक इतना इम्पेक्ट था क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप जब चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट पर्सन को वो चीजें याद हो जाती हैं ठीक है तो इसी तरह से ये कुछ एपिज़ॉक्सिस की टेक्निक है, है जिसमें एक वर्ड को बार-बार यानी बोला जा रहा है या फिर स्ट्रांग इंपैक्ट डालना चाह रहे हैं या फिर आप नेक्स्ट पर्सन को ये बताना चाह रहे हैं कि यू वाना से समथिंग एंड यू हैव मीन इट ठीक है तो एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे नेवर गिव अप यहाँ पे नेवर एक दफ़ा अगर हम यूज करते हैं never give up, तो वो भी एक सेंस तो दे रहा था ना आइडिया तो कन्वे कर रहा था लेकिन हमने दो दफ़ा नेवर का वर्ड क्यों यूज़ किया बिकॉज वी आर जस्ट रिपीटिंग टू एम्फोसाइज द आइडिया ऑफ प्रिजर्वेंस एंड डिटर्मिनेशन ठीक है एक और हमारे पास एग्जाम्पल है ओ नो 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 आई कांट बिलीव यहाँ पे नो जो है अगर आप एक दफा कह दो ओ नो आई कॉन्ट बिलीव तो वो उस तरह से इम्पेक्ट नहीं हो रहा ठीक है जब आप कह रहे हो ओ नो 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 तो मतलब आपने तीन दफ़ा उस वर्ड को रिपीट किया क्यों क्योंकि बिकॉज ऑफ टू शो योर एक्सप्रेशन आप अपना डिसबिलीव या अपना सरप्राइज़ शो कर रहे हो जिसकी वजह से आपने जो है इस वर्ड को रिपीट किया और वाकई इस वर्ड जो है उसका एक्सेंट उसकी टोन बिल्कुल चेंज हो गई उसका मीनिंग इवन डिफ़रेंट हो गया आप वर्ड पर एम्फोसाइज करने की वजह से जैसे एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास लव लव इज़ ऑल नीड अब देखिए लव का वर्ड भी दो दफा रिपीट किया गया टू तो एम्फोसाइज अ सिग्निफिकेंस ठीक है तो ये एक इंटरेस्टिंग सीजी सी टर्म सी थी आई होप यू अकॉर्न द सिंपल कंसेप्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी एम्बिगुटी यू कैन मी सेक्शन सो टेल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर